सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़। गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख। कोरोना महामारी, कोरोना महामारी से लोग डरे हुए हैं और अब यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है, हर जगह जो है इसको कहते हैं कि यहाँ पर एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और TMC के अधिकारी जो है लोगों को यानी मीन्स समझा रहे हैं और उनका टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनको पकड़ कर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन हमने इसके पहले भी आपको अवेयरनेस किया था कि जो मास्क नहीं लगाएगा 500 फाइन मारा जाएगा। इसके पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था। लेकिन अभी जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको खुद जाकर जो है टेस्ट कराना चाहिए। अभी मरने की डाई नहीं है, मरने की बारी नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं हमको मार नहीं देवे, क्योंकि मुमरा के अंदर जो टेस्ट हो रहा है वो आपको MM वैली के अंदर भेजा जाएगा, वहाँ पर हॉस्पिटल में, वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा अगर आप पॉजिटिव निकले तो। क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा पेशेंट नहीं निकल रहे, जो 100 में से 2 पेशेंट या 10 पेशेंट ऐसा निकल रहे, लेकिन अभी लगभग जो है 12-13 के करीब है और ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आप लोगों को टेस्ट करना लाजिम है। जो लोग कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमको ज़बरदस्ती पकड़ के टेस्ट किया जा रहा है, ऐसे नहीं है, ये आपके भले के लिए है और जो TMC है हमारे भले के लिए काम कर रही है। हमें इसके पूरा इसको कोऑपरेट करना चाहिए। बस यही आज का इन्फॉर्मेशन था। अब हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं टेस्टिंग किस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है और लोगों ने क्या क्या कहा और अधिकारियों ने क्या क्या कहा, हम ये आपको बताते हैं। मास्क नहीं पहने थे आपने? ये एंटीजन मुमरा वालों की बहुत अच्छा है और TMC ने जो कदम उठाई है एंटीजन टेस्ट करने का, इससे जो पहले मुमरा नेगेटिव हुआ था, मैं अभी एक एंटीजन टेस्ट करे तो उससे पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे मतलब है कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और TMC जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। ये जो कैंप जो है हर एरिया के कॉर्नर पे लगा रहे हैं, रोड पे बोलो, सोसाइटी, तनवा नगर, चांद नगर, ऐसे जो है वहाँ कॉर्नर पे लगा रहे हैं। अभी जो किस्मत कॉलोनी में लगे 112 हुए हैं और इसमें 2 पॉजिटिव आए हैं और एक कैंप लगा हुआ है तनवा नगर के गेट के अपोजिट रोड साइड में। अभी तक टोटल कितने टेस्ट हो चुके हैं? अभी तक टोटल 7,500 टेस्ट हो चुके हैं। उसमें से कितने पॉजिटिव हैं? उसमें से पॉजिटिव 400-500 होंगे। तो उनका इलाज कहाँ और कैसे चल रहा है? उनका इलाज स्टेडियम में जो क्वारंटाइन हॉस्पिटल बने उसमें होता है। तो जिस तरीके से मुमरा ने एक बार कोरोना बढ़ा था, फिर कम हो गया, कंट्रोल किया, प्रशासन ने काफ़ी सख्ती दिखाई और एक बार अभी फिर है कि फिर अभी 10, 12, 14, 15 ऐसे केस आ रहे, क्या कहेंगे उसको लोग, किस तरीके की सावधानी होगी? एक्चुअल में पहले कैसा था, लॉकडाउन में घर में रहते थे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते थे और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एंटीजन उस वक्त नहीं था, अभी एंटीजन टेस्ट करने पर लोगों को मिल रहा है कि पॉजिटिव आ रहे, 2-4 जो डेली पॉजिटिव आ रहे, इससे मुमरा के बढ़ रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि मुमरा की आवाम से वो अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं और थोड़ा एहतियात से रहें। क्या कहेंगे जो एंटीजन टेस्ट हो रहा है TMC की तरफ से, तो नागरिकों से, लोगों से क्या अपील रही है? मेरा यह कहना है कि भाई सभी लोगों ने आना चाहिए, ये सभी के लिए हैं। और जब आप खुद आओगे तो आपके मतलब कैसा होगा कि ठीक तरह से आपको पता होगा कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, तो आपके मतलब प्रॉब्लम हमको सॉल्व हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि सभी आ जाओ। लोग कहते हैं कि हम ज़बरदस्ती करते हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। हमें यह खुद का कहना है कि आप आ जाओ, आप टेस्ट करो, जाओ आप उनको, हमको सबको बोलते हैं। तो जिस तरीके से लोग खुद से कॉपरेट कर रहे हैं, चाहे दुकानदार हो चाहे हेल्पर्स हो, तो किस तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं आपके पास आ रहे टेस्ट के लिए? आ रहे हैं ना, जो है हमारे वागमारे है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, आ जाओ, ये जो है ये भी हमारे सरकारी हैं, वो सबको बताते हैं, सब आते हैं, कॉपरेट करते हैं। लेकिन कई लोग हैं ना जो करते नहीं हैं, तो हमारे उनसे कहना है कि आप आ जाओ,
कोरोना को लेके प्रशासन खास करके ताने महानगर पालिका काफी सतर्क है, काफी अलर्ट है, क्या कहेगी उसको? नहीं, अलर्ट तो है, सभी काम चल रहा है। अभी आप जब डॉक्टर साहब बोले कि सभी काम चल रहा है ठीक तरह से, कोरोना का भी जो प्रमाण जो है वो कम हो रहा है, वो हमारा डेली का मतलब कि टेस्ट जो ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव कम मिल रहे हैं, तो ऐसा है कि भाई कम है पॉजिटिव का जो प्रमाण है वो कम है, टीएमसी इसमें एक्शन ले रही है। नागरिकों की तरफ से, लोगों की तरफ से जो लापरवाही हो रही उसके लिए बहुत 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 आप खुद देख रहे होंगे कि बहुत लापरवाही हो रही है, तो लोग सुनते नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि यार यहाँ कुछ तो हो रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़, लेकिन हमारे कहने की आ जाओ आप, कोरोना को आपको पता है कि कोरोना कैसा भयानक है, महामारी चल रही है अभी, तो महामारी को रोकने के लिए आप खुद आगे आ जाओ और इसको रोकने के लिए आप खुद हमें मदद करो, आप आओगे मदद हमें करोगे, आप टेस्ट करवाओगे तो ये प्रमाण जो है वो कम हो जाएगा, तो इसी कारण ये चल रहा है अभी और ये चलता है। मतलब हमारा है कि हमारा ऐसा टारगेट है कि एक भी नहीं छूटना चाहिए इसमें से, सबका टेस्ट हो जाएगा, सबका ये करेंगे, लेकिन सहकार्य सहयोग जरूरी है लोगों का। और मान लीजिए मास्क भी हटा देता है,